हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर और उसका एनालिसिस करेंगे। बहुत ही सिंपल सिचुएशन से लेके हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़े हायर लेवल पर, ठीक है, जहां पर कि जेई में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकते हैं, तो वो ट्विस्ट को आपको समझना कैसे है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला केस इसमें लेता हूँ, सबसे सिंपल सा, कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R के बराबर है, इसका EMF कितना है, E है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R के बराबर, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो कौन से रेजिस्टेंस में, कैपिटल R में, जिसको कि हम कह रहे हैं कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होने की, डेवलप होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, और ये जो सेल है हमारे पास, इस सेल का ईएमएफ कितना है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये जो सेल है इसका ईएमएफ कितना है, ई के बराबर है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है। ये मैंने एक बॉक्स जैसा बना दिया है, ये पूरा सेल है। हालांकि होता यह है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, लेकिन इसको हम साइड में बना देते हैं। कई सारी जो फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ भी शो करते हैं दोनों टर्मिनल्स के बीच में, जिससे कि ये मिस्टेक ना हो कि ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है। हालाँकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से हम हर उस रेजिस्टेंस को मान सकते हैं जिसमें उतना ही करंट पास हो रहा हो जितना कि एक बैटरी से, बैटरी के टर्मिनल से करंट पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक सेल ले लूँ, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक सेल, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि टर्मिनल्स के बीच में है। एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया इसमें R1, ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो अब देखो, बैटरी के टर्मिनल से जो करंट पास होगा वो करंट वही होगा जो कि R1 से पास होता है, वही R2 से पास होता है, वही R3 से पास होता है। तो अगर हमारी ज़रूरत होगी तो हम ऐसा कर सकते हैं कि स्मॉल R और कैपिटल R1 को हम क्या मान लें, दोनों को इंटरनल रेजिस्टेंस मान लें और R2 R3 को एक्सटर्नल मान लें, या हमारी रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय तो हम इस R को और R2 को भी इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हैं, तब R1 R3 एक्सटर्नल हो जाएंगे। हमारी ज़रूरत हुई तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, R1 स्मॉल R और R2, इन तीनों को ही क्या मान लें, हम इंटरनल रेजिस्टेंस मान लें, और R3 क्या हो जाएगा उस केस में, एक्सटर्नल। और किसी केस में हमारी ज़रूरत है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि R1 R3 और R2, इन चारों को ही हम क्या मान लें, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लें। बस शर्त ये होनी चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कि जितना करंट बैटरी के टर्मिनल से पास होता है उतना ही करंट पास होना चाहिए रेजिस्टेंस में से, तो उसको ज़रूरत पड़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। और लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो रेजिस्टेंस होता है जो कि टर्मिनल्स के बीच में जब करंट फ्लो होगा तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन से जो रेजिस्टेंस मिलेगा सेल को वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। नॉर्मली इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात हुई। अब देखिए, हमको निकालना है कि कैपिटल R में डेवलप होने वाली पावर मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वी नीड टू फाइंड कंडीशन when power dissipated in R is maximum, ये हम तो हमारी requirement यहाँ पर यह है कि we need to find condition when power dissipated in R is maximum। अब यहाँ पर एक बड़ी interesting चीज़ ये है कि यहाँ पर पावर का जो फॉर्मूला है, हम जानते हैं पावर इक्वल टू I² × रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट मैक्सिमम है तो उसमें डिसिपेट होने वाली पावर भी मैक्सिमम होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पर R में पावर मैक्सिमम तब डिसिपेट होगी
जबकि इससे मैक्सिमम करंट पास हो। इससे करंट मैक्सिमम तब पास होगा जब स्मॉल आर कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो डेवलप होने वाली पावर मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख के रखते हैं कि इफ़ आर इक्वल टू ज़ीरो देन करंट इन आर इज मैक्सिमम देन पावर डिसिपेटेड इन आर इज मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास है कि वी डोंट हैव एन ऑप्शन टू हैव दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो। इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिया जा सकता, हम ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये नोट कर देता हूँ कि वी कैन नॉट टेक आर इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आर हैज़ सम नॉन ज़ीरो वैल्यू। जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, उसकी वैल्यू को ज़ीरो नहीं लिया जा सकता है। अगर हम इसको ज़ीरो नहीं लेते हैं तो फिर सर्किट में करंट कितना पास हो रहा होगा, ये निकाल देते हैं। तो सर्किट में करंट आ रहा होगा आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर के बराबर। दिस इज़ दी करंट पासिंग थ्रू दी सर्किट, या किसी भी रेजिस्टेंस में से ले लें हम, आर में से, स्मॉल आर में से, बैटरी के टर्मिनल में से कितना करंट पास हो रहा है, ई अपॉन आर प्लस आर के बराबर। तब कैपिटल आर में डेवलप होने वाली जो पावर होगी वो पावर हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर। तो ये होगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। फिर मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगाते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं और हम लिखेंगे डी पी ओवर डी आर इक्वल टू ज़ीरो। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसके डिफरेंशिएशन में नहीं जा रहा हूँ, ये आप अपने आप करके देख सकते हो। जब हम इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने पर आता है आर इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। ये आप सभी ने ये भी चीज़ पढ़ी हुई है, और ये अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और सभी लोग इसको जानते हैं, ये पढ़ा हुआ होगा कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल देन पावर डिसिपेटेड इन कैपिटल आर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्या, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इससे आगे की बात है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जेई जैसे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए, ये क्वेश्चन के बने, क्वेश्चन में क्या हो रहा है पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन फिगर इज एडजस्टेड सच दैट पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टर इज मैक्सिमम। यानी ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें डेवलप होने वाली पावर कैसी है, मैक्सिमम है, और जो आर है इसकी वैल्यू को इस तरह से सिलेक्ट किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो आर है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस कैसा है, वेरिएबल है। ये जो एरो बना होता है जनरली डायग्राम में, उसका मतलब ये होता है कि इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द फिगर इज एडजस्टेड सच दैट पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टर इज मैक्सिमम अंडर दिस कंडीशन। यानी कि जब पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम है 2 ओम में, इस कंडीशन में हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से सही है, आर इक्वल टू ज़ीरो, आर इक्वल टू 8 ओम, पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रजिस्टर इज 72 वॉट, एंड डी ऑप्शन इज पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रजिस्टर इज 8 वॉट। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या कैपिटल आर को ज़ीरो लेने का ऑप्शन है, तो देखो हमको मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर आर में नहीं निकालनी है, मैक्सिमम डिसिपेटेड पावर निकालनी है हमको 2 ओम में, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो कि वी नीड टू कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम, ठीक है। और कौन सी पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए,
अब 2 ओम में डिसिपेट होने वाली जो पावर है वो मैक्सिमम कब होगी? 2 ओम में डिसिपेट होने वाली पावर मैक्सिमम तब होगी जब करंट मैक्सिमम हो। तो ये भी हम नोट करके लिख लेते हैं, व्हेन करंट इन 2 ओम इज मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम इज मैक्सिमम। तो 2 ओम में डिसिपेट होने वाली पावर मैक्सिमम तब होगी जब 2 ओम से पास होने वाला करंट कैसा हो, मैक्सिमम हो। अब देखो, बैटरी से जब करंट निकलेगा तो उसके पास दो पाथ अवेलेबल है, एक यहाँ से जाएगा 8 ओम से जाएगा, एक आर से जाएगा, और फिर करंट 2 ओम से जाएगा। तो करंट मैक्सिमम 2 ओम से तब जाएगा जबकि ये रेजिस्टेंस कैसे हो, मिनिमम हो। तो अगर हमने आर की वैल्यू को 0 सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। सो इफ़ वी टेक R इक्वल टू 0, देन करंट थ्रू 2 ओम इज मैक्सिमम। तो 2 ओम से पास होने वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा अगर हम इसमें R की वैल्यू को कितना ले लें, 0। देखो, हर क्वेश्चन में R की वैल्यू को 0 सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। मैं आगे एक क्वेश्चन में और दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर R को 0 लिया जा सकता है। R को 0 क्यों लिया जा सकता है, उसकी एक वजह तो यह है कि हमको R में डिसिपेट होने वाली पावर नहीं निकालनी है। अगर R में मैक्सिमम पावर निकालनी है और R की वैल्यू अगर 0 है तो आई स्क्वायर इंटू 0 करेंगे तो इसमें तो डिसिपेट होने वाली पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमको पावर मैक्सिमम निकालनी है 2 ओम में। अब इसमें पावर मैक्सिमम तब होगी जबकि इससे पास होने वाला करंट कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम करंट तब होगा अगर हमने इस रेजिस्टेंस को 0 ले लिया, तो क्या होगा, जो भी करंट यहाँ पर आता है सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा और 8 ओम से कोई करंट ही पास नहीं होगा, यानी करंट का पाथ ये वाला रहेगा और 8 ओम से कोई करंट पास नहीं होगा। इन दिस केस करंट पासिंग थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 12/2, दैट इज 6 एम्पियर, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसको हम बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं कि R की वैल्यू को हम अगर 0 ले लें तो ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यानी कि एक ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कि R को कितना ले सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं। तो R को अगर 0 लेंगे तो 2 ओम में डेवलप होने वाली पावर मैक्सिमम होगी। फिर मैं बता दूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो करंट आता है वो सारा करंट यहाँ से पास होगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ए सही है, इसमें बाकी ऑप्शन और हमको चेक करना है। तो अगर हमने ले लिया है कि आर की वैल्यू को 0, तो सर्किट में करंट कितना होगा, तो करंट आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 ओम, यानी कि 6 एम्पियर व्हेन आर इक्वल टू 0। और तब इसमें पावर कितनी डिसिपेट होगी, पावर डिसिपेट हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू 2। आई स्क्वायर इंटू 2 यानी कि करंट की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर, तो उसका स्क्वायर करेंगे 36 इंटू 2, और ये कितना जाएगा, 72 वाट के बराबर। तो इसका एक जो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, एक तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 72 वाट और R इक्वल टू 0, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ए सही है और है ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, कि पावर डिसिपेटेड इन 2 ओम रजिस्टर इज 72 वाट। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस क्या था, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस ये था कि इस आर को हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है, फॉर ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्स, यानी कि ये एक्स, अब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ये फॉर ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्स। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्स का मतलब ये है कि इसमें हमको जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि एक्स की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली है, एक्स फिक्स है। इसकी जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि एक्स कैसा है, फॉर ए पर्टिकुलर, फॉर ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्स, यानी कि एक्स फिक्स है,
दैट इज एक्स इज फिक्स्ड। तो एक्स यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक्स फिक्स है तो उससे होता क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर एक्स फिक्स है तो एक्स की वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक्स तो कांस्टेंट है। इसके बाद क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्स इन द फिगर शोन द थर्मल पावर जनरेटेड इन वाई इज मैक्सिमम व्हेन वाई इक्वल टू 4 ओम। यानी कि एक्स को फिक्स करने के बाद वाई की वैल्यूज को चेंज किया जाता है। अगर हम वाई की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वाई में डेवलप होने वाली पावर मैक्सिमम होगी अगर वाई की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, तो हमको बताना है एक्स कितना है। अब देखो यहाँ पर हम वाई को ज़ीरो नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर हम वाई को ज़ीरो ले लेंगे तो इसमें डिसिपेट होने वाली जो पावर होगी वो कैसे हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये यहाँ पर याद रखना है, हेयर वी कान टेक वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि हम इसमें y को ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था। y को यहाँ ज़ीरो क्यों नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर y को ज़ीरो ले लिया तो इसमें डिसिपेट होने वाली पावर आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से अगर हम चेक करेंगे तो कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। तो y को ज़ीरो नहीं ले सकते हैं और x कैसा है, कॉन्स्टेंट है। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हैं इस क्वेश्चन में। अब पावर डिसिपेटेड वाई में मैक्सिमम हो रही है, तो अभी जो हमने पढ़ा था कि पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम कब होती है, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो मैं क्या काम करता हूँ कि ये जो y है इसको रखूँगा मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह से, और बाकी सारे रेजिस्टेंस को कम्बाइंड करके हम बना देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह से। तो थोड़ा सर्किट मुझे रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। तो हमने मान लिया कि ये जो सर्किट था इसमें ये है बैटरी 10 वोल्ट की, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। इसके बाद जो एक्स और 6 ओम है ये हमको दिख रहा है कि किस कॉम्बिनेशन में, ये दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम यहाँ लगा देते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6x अपॉन 6 प्लस एक्स के बराबर, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो रेजिस्टेंस बचा वाई, वाई वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस वाई को मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इसको मैंने इस तरह से क्या किया है, रीड्रॉ कर दिया है, ठीक है। सर्किट को हमने रीड्रॉ किया और इसको थोड़ा इसकी जगह हम बदल देते हैं, पोजीशन मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर, ये सर्किट हमने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये तो हो गया हमारे लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इन दोनों को हम मान लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। स्टार्टिंग में ही हमने प्रूफ किया कि पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम वाई में तब होगी जब वाई की वैल्यू कितनी हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, और ये सारा हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हमने मान लिया। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ 2 प्लस 6x अपॉन 6 प्लस एक्स, और ये किसकी इक्वल हो जाना चाहिए, y की इक्वल हो जाना चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6x अपॉन, अच्छा y शायद इसमें गिवन है 4 के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है कि y इक्वल टू कितना है, y की वैल्यू 4 गिवन है क्वेश्चन में, तो y को हम लिख देते हैं 4 की इक्वल, तो इक्वल टू 4, तो ये बचेगा 6x अपॉन 6 प्लस एक्स इक्वल टू 2, और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये होता है 2x इक्वल टू 6, या x इक्वल टू कितना जाएगा, 3 ओम के बराबर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, कि अगर x की वैल्यू 3 है तब y में डिसिपेट होने वाली पावर मैक्सिमम है, ठीक है। तो ध्यान दो कि इसमें हम y को 0 नहीं ले सकते थे,
वाई को जीरो नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि इसमें डेवलप होने वाली पावर हमको मैक्सिमम बतानी है। अगर इसकी खुद की वैल्यू जीरो हो गई तो उसमें पावर मैक्सिमम डिसिपेट नहीं हो पाएगी। और एक्स कैसा था इस क्वेश्चन में? एक्स फिक्स था। तो ध्यान रहे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें आर की वैल्यू को हम जीरो क्यों सिलेक्ट कर सकते थे? इसलिए सिलेक्ट कर सकते थे क्योंकि हमको मैक्सिमम पावर 2 ओम में निकालनी है और करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए इस आर को जीरो लिया जा सकता है, तो हमने आर को जीरो ले लिया था। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर हमको वाई में निकालनी है और एक्स कैसा है? फिक्स्ड है फॉर ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्स। एक्स को वेरी नहीं करा रहे हैं, ठीक है, वेरी करा रहे हैं हम वाई को। अच्छा, अगर कोई हमसे पूछे कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि वाई में पावर मैक्सिमम डिसिपेट हो जाए, सपोज़ अगर हमको एक्स गिवन फिक्स नहीं गिवन होता, एक्स को अगर हमारे पास फ्रीडम होती कि हम एक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप इन वाई, वाई में डेवलप होने वाली पावर मैक्सिमम हो, अगर हम एक्स को सिलेक्ट करने की हमारे पास फ्रीडम होती तो एक्स को हम तब कितना सिलेक्ट करते? ज़ीरो सेलेक्ट करते, ठीक है। एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता तो वाई में डेवलप होने वाली पावर कैसी हो जाती? मैक्सिमम हो जाती। लेकिन उस समय वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, जो कि है 2 ओम। तो अगर एक्स ज़ीरो है तो वाई की कितनी वैल्यू पर पावर मैक्सिमम डिसिपेट होगी? 2 ओम के बराबर, जब ये एक्सटर्नल कितना बन जाएगा? 2 ओम। और अगर एक्स ज़ीरो हो गया तो 6 ओम तो सर्किट से बाहर ही हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर एक्स को ज़ीरो कर दें तो 6 ओम का कोई रोल नहीं रहेगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन ए रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब हम यूज़ करते हैं कंडीशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि कब हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो सेलेक्ट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ से मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था उस पर फिर आऊँ कि जब हम R इक्वल टू R हम निकालते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो ले लें। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन हो और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का हम ज़ीरो ले लें तो फिर आर को ज़ीरो ले लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पावर जो डेवलप होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इससे पास होने वाला करंट कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन आपके लिए जेई में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसको हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2016 का। सिचुएशन क्या है? ये क्वेश्चन ये कहता है, इन द सर्किट शोन द रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज़ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। इफ़ फॉर आर इक्वल टू एफ आर, एफ कोई कॉन्स्टेंट है, द हीट जनरेशन इन स्मॉल आर इज़ मैक्सिमम, देन द वैल्यू ऑफ एफ इज़, यानी कि स्मॉल आर में जनरेट होने वाली जो हीट है वो मैक्सिमम है, तो हमको ये बताना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। तो इस स्मॉल आर में डेवलप होने वाली हीट मैक्सिमम तब होगी जबकि इससे पास होने वाला करंट मैक्सिमम हो। अगर इससे पास होने वाला करंट मैक्सिमम हो तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में हम स्मॉल आर को ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको हीट आर से प्रोड्यूस्ड ही निकालनी है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन नहीं है? वी कैन टेक आर इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमको मैक्सिमम पावर किस में कैलकुलेट करनी है? इसी में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इस सर्किट को हम क्या करते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि जो बैटरी है वो मैंने इस तरह से बनाई, यहाँ पर ये बैटरी है और ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने यहाँ पर, और ये जो बैटरी थी इसको तो मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस था ये वाला, इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ यहाँ। तो करंट इस रेजिस्टेंस में और इस बैटरी में सेम पास होता है, तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस की लोकेशन को चेंज कर दूं, अगर मैं इसको बैटरी के पीछे यहाँ पर लगा देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस तरह से यहाँ इसको फिट कर दिया। अब दूसरा रेजिस्टेंस और था, एक ये वाला रेजिस्टेंस भी लगा दिया है R, और ये कैपिटल R, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये वाला रेजिस्टेंस है, ये
यहाँ पर देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला आर, उसको मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में ही वेरिएबल रेजिस्टेंस हम बना देते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा वाला है, स्मॉल आर, ठीक है, जिसको कि इसमें कहा गया है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें हम ये एज्यूम, अब हम इसमें ये कंडीशन निकालेंगे कि मैक्सिमम पावर डेवलप होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर डेवलप होने के लिए, अब ये मैं कुछ काम आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, मैक्सिमम पावर डेवलप होने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इस सर्किट को मैं फिर क्या करता हूँ, रीड्रॉ करूँगा दोबारा से, और इन दोनों रेजिस्टेंस को, इस वाले को और इस वाले को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर R बाई 2 के बराबर। ये EMF है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो था वो तो R बाई 2 हो गया, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो मैंने एज इट इज़ लगा दिया यहाँ पर स्मॉल R के बराबर, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस ये है जिसमें कि मैक्सिमम पावर डेवलप निकालनी है, इस रेजिस्टेंस को इसके साथ कंबाइंड करके पैरेलल में मैंने लगा दिया और ये R बाई 2 हो गया है, और ये बन गया R बाई 2 इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इस वाले रेजिस्टेंस को जो कि सीरीज़ में नहीं है यहाँ पर, इसको पैरेलल में कंबाइंड करके मैंने बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बना दिया है, ये अगर आप निकाल लेंगे तो इसमें अपने आप से, ठीक है, तो क्वेश्चन के जो कई क्वेश्चन के सोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला काम आपके लिए छोड़ता हूँ। अब फिर वही कंडीशन आएगी कि फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर इन आर, आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, आर मस्ट बी इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसे इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, और स्मॉल आर कितना दिया है, स्मॉल आर दिया है एफ इंटू आर के बराबर, तो एफ इंटू आर इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने से एफ की वैल्यू आ जाती है 1/2 के बराबर। तो ये जो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो है एफ बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आज के लिए जो डिस्कशन पॉइंट थे वो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, और इसका जो हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया है मैक्सिमम पावर का, उससे आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे। तो मैं अपना डिस्कशन यहीं कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय।